सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 50वें पृष्ठ की 16वीं पंक्ति पर 23वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सकें, जान सके, सीख सके, समझ सके, तदनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, ओनली इट हियर्स सोल इको ऑफ इट्स कॉल द डिम रिप्लाई इन मैन्स अननोइंग हार्ट एंड मीट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट केम और फॉर व्हाट रीजन इज द सफरिंग हियर। गॉड सैंक्शन टू द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ एंड द रिडल ऑफ द इमॉर्टल्स बर्थ इन टाइम। पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अचलायमान शाश्वत परात्पर से उद्भूत संकल्प की सिद्धि हेतु उनकी चेतना का एक भाग संकल्प सिद्धि प्रयास के खातिर एक से बहु बनकर शाश्वत की अमर ज्योति के सृजन आरंभ में ही रूपायन हेतु आवश्यक शर्त अचित प्रवेश चुनकर अचित में डुबकी लगाकर सदा सदा के लिए मूल संबंध विस्मरण से लक्ष्य सुधि गवाकर गुम हो गई। अचित प्रभाव से शाश्वतता बुझी बुझी हो जाने पर भी जिस कार्य हेतु वह एक से बहु रूपों में अभिव्यक्त होकर मूल संबंध विस्मृत हो जाने पर भी वह लक्ष्य सिद्धि की ओर सतत अग्रसर होने की केवल अपनी अंतरात्मा की पुकार की एक प्रतिध्वनि भर ही सुनती है और पड़े अज्ञानांधकार के आवरण के कारण मानव के अज्ञ बने अंतर में एक अस्पष्ट से धुंधले उत्तर को बुनती है और मूल से विस्मृति के कारण यह समझे बिना कि वह अभिव्यक्ति में क्यों आई है और किस कारण से समस्त अभिव्यक्त हुई दुनिया पर एवं स्वयं पर दुख मुसीबतों की बदली छाई रहती है नहीं जानता। वह अंतर में उदित स्पंदित धुंधले से उत्तर के माध्यम से धीमे धीमे गुनते हुए सत्ता भीतर निवसित शाश्वत के अंश प्रभु स्वीकृति से अर्थात एक से बहु बनकर सतंश का असत में प्रवेश करके अभिव्यक्तिकरण हेतु स्वीकार कर लेने से शाश्वत से नश्वर जीवन का यह उपजा विरोधाभास किसने रचा और सृष्टि सृजित कर दी
तथा इस अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया के लिए देश काल सीमाबद्धता के जुए को अपने कंधे पर लाद कर यह मानव असत अचित अज्ञान अंधकार के आवरण को अमर सत्य शाश्वत अंश के जन्म की इस अबूझ एक अद्भुत पहेलिका को किसने सृजा है। शाश्वत का काल में नश्वरता पूर्ण जन्म का विरोधाभास अजर अमर अंश का मृत्यु संचालित मुखोटा धारण करना ऐसी जीवन लीला प्रसंग में अबूझ अद्भुत पहेली जो सदैव मानव के समक्ष एक विरोधाभास बनी रहती जिसे हल कर देने के लिए अर्ध चेतन मानव सतत प्रयासरत रहकर ललकारता रहता है। मानव इस अबूझ पहेली शाश्वत अरूप से नश्वर रूपायन की सतत हल करने के प्रयास में सदैव रत बना रहता है किंतु समाधान कभी नहीं पाता। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना इस पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं ताकि जब जब साधना के ध्रुव पर हमें इस ज्ञान के विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहे। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।